जय माता दी। वेलकम टू मानवी ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आज गाइस संडे का दिन है। मानवी की दादी चिकन मंगाई हुई है। आज मेरे घर में चिकन आया है। आज मैं चिकन बना रही हूँ। आज चिकन बनेगा। मैं चिकन वॉश कर रही हूँ। देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं चिकन बहुत अच्छा से वॉश करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे झटपट वाला चिकन वॉश करना पसंद नहीं है। मैं धीरे धीरे अच्छा से क्लीन करती हूँ। देखिए वाइट वाइट रेसा मैं निकालती हूँ अच्छा से, क्योंकि उसको अच्छा से क्लीन किया जाता है। ये देखिए बहुत सारा चिकन आया हुआ है। इसी के साथ आज हम लोग संडे सेलिब्रेशन होगा चिकन के साथ। तो यहाँ पे मैं चिकन साफ़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर अच्छा तरीक़ा से साफ़ हो रही है। देख सकते हैं आप लोग, अच्छा से साफ़ हुआ है, यानी कि ब्लड ब्लड सब अच्छा से मैं साफ़ कर रही हूँ। धीरे धीरे पानी भी रेड हो गई है। देखिए इसके बाद चलते यहाँ पर मसाला के लिए रेडी हो रही है। मानवी की दादी मसाला के लिए रेडी करिए। लहसुन और आधी है लहसुन यहाँ पे छीला जा रहा है। लहसुन ज़्यादा पड़ती है, हम लोग लहसुन ज़्यादा देते हैं और आधी थोड़ा सा देते हैं, बिकॉज इसका टेस्ट अच्छा आता है। हम लोग अपने स्टाइल में बनाते हैं, बिहारी स्टाइल। तो ये देखिए लहसुन का तैयारी चल रही है। यहाँ पे मसाला की तैयारी चल रही है। इसका पेस्ट बनेगा, आधी लहसुन का पेस्ट तैयार होगा। मिक्सी पे हम लोग पीसेंगे इसको। पहले लहसुन को अच्छा तरीक़ा से छिल रहे हैं एक एक करके, ताकि उसका जो रेसा होता है वो निकल जाए और पीसने के टाइम अच्छा से टेक्सचर आ जाता है लहसुन का। इसी तरह हम लोग का लहसुन पे बारीकी से एक एक करके छिल रहे हैं। इसके बाद पेस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे आधी भी कूट के दे दिए हैं कि मिक्सी पे अच्छा से पिसा पाए, इसीलिए हम लोग आधी को कूट के दे दिए। इसी के साथ हम लोग आधी अब यहाँ पे चल रही है, यानी कि पेस्ट तैयार हो रहा है। पेस्ट बन जाएगा जस्ट 2 सेकंड में। वो पेस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं प्याज का कटिंग कर रही हूँ, यानी कि प्याज लगभग मैं 7 पीस दी हूँ, यानी कि आधा किलो के लगभग प्याज काटी हूँ। ये चिकन पे ढलाएगा। यहाँ पे मैं प्याज रेडी कर ली हूँ। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे ज़्यादा मीडियम साइज़ में मैं कट की हूँ, ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा भी नहीं। यहाँ मैं प्याज रेडी कर रही हूँ। प्याज रेडी के बाद वहाँ पे चिकन भी धुल गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाकी है। चिकन यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीक़ा से मैं वॉश कर दी हूँ। यहाँ पे पेस्ट भी रेडी हो गई है। पेस्ट में देखिए अदरक लहसुन, जैसे मैं बताई थी पहले, अदरक लहसुन पिसा गया। उसमें हल्दी गुंदी दे चुकी हूँ, यानी कि मानवी की दादी हल्दी गुंदी दे रही है, मिर्चाई गुंदी दे रही है। यहाँ पे क्या क्या ढलाता है मैं सब दिखा रही हूँ आप लोग को। उसके बाद थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर दे रही हूँ। ये सब ये सारा कुछ घर का ही है पिसा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर दिया रहा है, देखिए 1 चम्मच 2 चम्मच लगभग, मतलब 2 चम्मच दिया रहा है। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे और कुछ डाल दिए मानवी की दादी। देखिए ये डाल रहे चिकन मसाला, चिकन पाउडर जो आता है, हाँ ये वाला चिकन पाउडर डाल रहे हैं। इसके बाद ही ये सब मसाला रेडी हो गया है चिकन के लिए। इसके बाद थोड़ा सा नमक लास्ट, आप अपने अनुसार नमक दे सकते हैं। जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा अपने देंगे, हम लोग कम खाते हैं उतना ज़्यादा नहीं, तो उन्हीं के अनुसार 2 चम्मच दिया गया था। इसके बाद यहाँ तेल गरम हो चुकी थी, तेज़पत्ता के साथ हम लोग थोड़ा सा तेल गरम किए। उसके बाद प्याज दिए हैं। प्याज देने के बाद प्याज को हल्का लाल किया जाएगा, यानी कि फ्राई किया जाएगा। दे चुके हैं, लो फ्लेम में चल रहा है प्याज, फ्राई हो रहा है। ये धीरे धीरे फ्राई हो जाएगा, तब मसाला दिया जाएगा। अभी फ्राई हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, ऑलमोस्ट हो गया है फ्राई, थोड़ा सा और होगा। उसके बाद ही हमें मसाला दिया जाएगा। मसाला का बारी आएगा, अभी फ्राई हो रहा है। ये मसाला दे चुके हैं। मसाला देकर अब थोड़ा सा चलाया जा रहा है कि मिक्स हो जाए प्याज में। प्याज में अच्छा तरीक़ा से मिक्स करने के बाद ही हम लोग इसमें चिकन ढालेंगे। देखिए गाइस, मानवी की दादी चिकन ढाल रही है। हम लोग के यहाँ पे हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, मसाला के साथ ही चिकन दे देते हैं, ताकि मसाला और चिकन एक दूसरे पे मिक्स हो जाए, मिल जाए,
और चिकन एकदम चिकन के अंदर तक मसाला चला जाएगा और खाने में भी बड़ा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। इसी के साथ हम लोग मसाला के साथ देखिए मानवी की दादी मिक्स करेंगी, उनको जितना हम लोग दिए थे मसाला उसमें सारा मिल जाएगा, मिल के एक साथ हो जाएगा, ये चलाया जाएगा पूरा अच्छा से मिक्स होगा। अभी देखिएगा धीरे धीरे मिलाया जा रहा है, देखिए ये मिल रहा है, मिलने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा, ये धीरे धीरे मिल जाएगा सारा मसाला, अंदर तक चल जाएगा चिकन का, ताकि चिकन मसाला दोनों ही सीज जाए और फ्राई हो जाए दोनों। ये दोनों मिला के हम लोग लो फ्लेम में रख देंगे। अभी अभी मिलाया जा रहा है धीरे धीरे करके, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। लो फ्लेम में करके हल्का सा हम लोग ढक के ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग खोलेंगे। देखिए ये खोल दिए हैं, ये प्याज का जितना पानी था वह ऊपर आ गया है, यानी कि प्याज गल चुका है। मसाला अभी मतलब भुंडा है, मतलब फ्राई होगा, ये फ्राई नहीं हुआ है, प्याज अभी पूरा गल चुका है। ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, चिकन मसाला सब फ्राई हो रहा है एक साथ, धीरे धीरे फ्राई होते रहेगा, फिर हम लोग चलाते रहेंगे। अभी देखिएगा चलाएंगे हम लोग, इसको मिक्स करेंगे दोबारा ताकि वो फिर मिक्स हो जाए अच्छा तरीका से, फ्राई होते रहेगा धीरे धीरे। देख रहे गाइस दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, कलर आएगा इसका धीरे धीरे, कलर भी आएगा क्योंकि फ्राई होगा तो कलर होगा ही। अब इसके रस के अनुसार, यानी रस बोले जाता है करी, करी के लिए हम लोग पानी दे रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग के घर में 1 kg चिकन आई हुई है आज, तो उसी के हिसाब से हम लोग पानी दे रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देंगे क्योंकि धीरे धीरे ये फूटेगा तो कम होगा अभी पानी, फूटने भर इसको हम लोग पानी दे रहे हैं। आप लोग देख सकते चिकन के अकॉर्डिंगली हम लोग पानी देंगे, रस देंगे यानी कि करी के लिए, इसके बाद ही हम लोग इस पे देखा जाएगा कि कितना रस पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। देखिए ये हो चुका है ऑलमोस्ट, अब रस नहीं देंगे, इतना काफ़ी है। इसके बाद चलाया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, देखा जा रहा है ठीक है कि नहीं है रस, इसके बाद ही एंड होगा। ये ऑलमोस्ट हो चुका है चिकन, 70% हो चुका है, अब 20% और 30% होगा, थोड़ा सा और फूटेगा। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच देसी घी देते हैं, यानी कि घर का ही घी बना हुआ है, ये हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं ताकि हम लोग का स्वाद और टेस्टी बनता है। ये मानवी की दादी अच्छा बनाती है, जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ नॉनवेज के मामले में मानवी की दादी बहुत अच्छा बनाती है। ये देखिए लास्ट हो चुका, थोड़ा सा चलाया गया ताकि मिक्स हो जाए, उसके बाद चलने के बाद फूट चुका है, अब इसको थोड़ा सा फूट रहा है और भी फूट गया है, या देखा जा रहा है कि ग्रेवी ठीक है कि नहीं, ऑलमोस्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद ही अब ये रेडी हो जाएगा चिकन, मानवी वहाँ वेट कर रही है रूम पर। ये देखिए ढक दिया गया, बस चिकन तैयार। ये देखिए मैं खोल के आप लोग को गाइस दिखा रही हूँ चिकन कैसा बना, टेक्सचर देखिए बहुत सुंदर आया, कलर भी, रस भी। इसी के साथ मैं